हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू एम ए बी गेमिंग 2.0 गाइज। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइज, मैं अपने सर्वाइवल आइलैंड की सीरीज़ आज स्टार्ट करने वाला हूँ गाइज, और मैं अपने वर्ल्ड के अंदर आ भी चुका हूँ गाइज। और आज की वीडियो में गाइज हम लोग अपने सर्वाइवल आइलैंड पे सर्वाइव करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से ओशन से घिरा है गाइज। और इस आइलैंड पे आपको एक विलेज भी देखने को मिल रहा है गाइज, तो देख सकते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया है गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो चैनल को एक लाइक, मतलब कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस और ला सकूं। और ग्राइंडिंग वीडियोस गाइस मैं आपको लाइव स्ट्रीम में दूंगा। और वैसे तो अभी हम लोग यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें उड काटना है, मगर यहाँ पर हमें कहीं पर उड दिख रहा है नहीं, तो विलेजर्स को बाद में लूटेंगे, पहले हमें उड चाहिए। तो सामने ही गाइस, वाओ, यहाँ पर सामने में गाइस हमारा जंगल बायोम भी है, तो एक तीर से दो निशान है। अभी जल्दी से उड काट लेते हैं, मतलब पेड़ को तोड़ लेते हैं, और उसके बाद गाइज हम लोग विलेज को थोड़ा लूटेंगे, या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूटेंगे गाइज। और फुल सपोर्ट करिएगा गाइज, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी और अमेजिंग वीडियोज ला सकूँ गाइज। और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो का एम लाइक है गाइज 15 का, तो जल्दी से आप इस वीडियो को कंप्लीट कर दिए एम लाइक, जो कि मैंने कभी इतना एम लाइक नहीं रखा अपना 15 का, तो आप लोग जल्दी से इसको 15 एम लाइक कंप्लीट कर दीजिए गाइज। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए और लाइक बटन को भी एक बार और ठोक दीजिए गाइज। तो यहाँ पर शायद से कोई एक सैपलिंग कर दिया गाइज, क्योंकि मैं सर्वाइवल आइलैंड पर हूँ, तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा ट्रीज भी मेरे लिए नहीं बचे। और इस सीरीज़ में गाइज हम लोग बहुत सारा फन करेंगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं गाइज। और यहाँ पर हमारा आयरन गोलम है, तो अभी मेरे को आयरन की इतनी ज़रूरत है नहीं कि मैं इसको मार दूँ। और इस तरफ देख सकते हैं गाइज, बहुत अच्छा ही केव टाइप बना हुआ, और ये क्या सीढ़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइज देखने में। तो अभी सबसे पहले अपने स्टार्टिंग के टूल्स बना लेते हैं। यहाँ पर से स्टिक बनाया, क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, एक हमें बस एक पिकैक्स की ज़रूरत होती है। और अब क्या, चलते हैं नीचे और थोड़ा स्टोन माइन करके आते हैं। और इसी के साथ गाइज हमें एक थोड़ा कोल भी मिल चुका है। वैसे मुझे केव माइनिंग करने में बहुत डर लगता है गाइज, क्योंकि यहाँ पर मॉब वगैरह स्पॉन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है मेरे को। और यहाँ पर मुझे अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी मर सकता हूँ, क्योंकि मैं केव के पास हूँ। तो सबसे पहले तो अपने लिए एक स्टोन पिकैक्स ही बना लेते हैं, उनके टूल्स बनाने लायक मैं अपनी चीज़ें ले लेता हूँ और चलते हैं। और इस बार क्राफ्टिंग टेबल भी लेके आएंगे गाइज हम लोग। और यहाँ पर गाइज बहुत सारे कैट्स भी होते हैं, तो जिसको हम लोग टेम भी कर सकते हैं गाइज। और इसके अंदर गाइज हम लोग घर भी बनाने वाले हैं अपने लिए, एक बहुत बेटर सा, अभी स्टार्टिंग ही घर बनाएंगे, स्टार्टर हाउस, क्योंकि गाइज अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं, आप देख पा रहे होंगे अभी मैंने स्टार्ट ही किया। अभी जल्दी से इस क्राफ्टिंग टेबल को ब्रेक करते हैं और अब चलते हैं नीचे। तो मुझे तो नहीं लगता है गाइज कि हमारे आते थे नाइट हो भी सकता है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आके माइन कर लेता हूँ। तो जैसे ही नाइट होने लगेगा गाइज, तो हम लोग चल जाएंगे अपने विलेजर के हाउस में और जा करके वहाँ एक अच्छी सी नींद ले लेंगे। अभी के लिए तो कोल सिर्फ माइन करता जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोल्स हैं। और मेरे पुराने जितने भी मैंने सर्वाइवल सीरीज वाले वीडियोस बनाए गए, आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर फिर भी मैं वापस से ऐसे ही सर्वाइवल सीरीज वाली सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको ज़रूर से सपोर्ट करिएगा गाइज, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइज, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे गाइज तो मेहनत कामयाब होता है। तो हम लोग नीचे चलते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉपर और आयरन सब देखने को मिल रहा है, तो हम लोग और दिख लेते हैं और कहीं पर कुछ है या फिर नहीं। तो हमें दो जगह आयरन दिख चुका है, तो जल्दी से जाके उसे ले लेते हैं। और ये सिर्फ ओनली वन पीस है गाइस, ओनली वन, मतलब क्या, नहीं दो है, दो है, इसे भी ले ही लेते हैं, मगर फिर भी गाइस क्या स्कैम हुआ है हमारे साथ, दो आयरन से क्या ही बनेगा, नहीं आप ही बताओ कि हम दो आयरन से क्या बना सकते हैं, बताओ माइनक्राफ्ट वालों को क्या नशा है मेरे साथ। जब भी मैं कुछ सर्वाइवल सीरीज वाली वीडियो स्टार्ट करता हूँ गाइस, इतने कम कम चीज़ें देते हैं मेरे को, ऐसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और केव के अंदर मैं जाने वाला हूँ नहीं गाइस, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और मैंने अब तक अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं किया, और मैं सर्वाइवल आइलैंड पे हूँ गाइस, यानी कि हम बस इसी आइलैंड पे रह करके बहुत कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने विलेज भी देख लिया होगा गाइस। तो अब सबसे पहले गाइस हम लोग अपने हाउस के लिए कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने वाले हैं, तो वो तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ नहीं। तो जब सामान हो जाए गाइस मेरे पास इनफ, तो मैं आपसे मिलता हूँ, अभी के लिए बाय बाय। गाइस कलेक्ट करते करते सामान को रात हो गया, तो मैं एक स्लीप भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा ये डे टू स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो चलते हैं। और मैंने शायद से इनफ चीज़ें यानी मटेरियल मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो चलते हैं सबसे पहले।
मैं थोड़ा विलेज के दूर बनाने वाला हूँ गाइस, थोड़ा यहाँ पर चल के देख के बनाते हैं। अगर यहाँ पर कोई केव वगैरह या फिर डेंजर प्लेस ना हो तो मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ये प्लेस दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। सबसे पहले इसको प्लेन करते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैंने इसको थोड़ा क्लियर कर लिया है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, 3x9 का एक एरिया लेना है और उसको 9 ब्लॉक डिक करना है। तो वो तो मैं ऑफलाइन जगह कर लूँगा, अभी बस मैं और सा शेप में कर देता हूँ डिग। तो इसी तरीके से हमें 3x9 के एरिया में डिग करना है। तो पहले मैं ब्लॉक भी गिन लेता हूँ कि 9 ब्लॉक है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दिए गाइस, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है गाइस। और यहाँ पर मैं एक हाउस ही बना रहा हूँ आज, तो आपको क्या करना है गाइस, मैं यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ। आपको 2 ब्लॉक छोड़ना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको 3 ब्लॉक का इस तरीके से करना है आपको, फिर वापस से गाइस सेम टू सेम यही काम करना है इस तरीके से आपको। और बीच की तरफ गाइस सेंटर की तरफ आपको यहाँ पर थोड़ा और होल करना होगा अंदर की तरफ थोड़ा, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस आपको भी वैसे करना। और मेरी पिकैक्स टूट चुकी है, तो एक नई पिकैक्स बनानी होगी, उसके लिए मुझे थोड़े प्लैंक्स की ज़रूरत है, तो वही मिल गया मेरे को। और ये रही हमारी दूसरी पिकैक्स, तीसरी वैसे, क्योंकि एक मेरे पास उडन पिकैक्स भी है। इस तरीके से आपको करना है, और वापस से इसको निकालना है आपको, और इस तरीके से करते जाना है। तो ये गलत लग चुका है गाइस, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको लगाना है, और इस वाले एरिया में गाइस आपको थोड़ा डिज़ाइनिंग करना है। तो वो कैसे करना है गाइस मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, मतलब कि आप इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो मैं अभी उतना डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अभी day 1 है, तो मैं आपको बाद में बता दूँगा कि आपको डिज़ाइनिंग कैसे करना है। अभी के लिए बस हम अपने लिए एक सिंपल सा हाउस बनाने वाले हैं, बिल्कुल ही सिंपल, जिसमें हमारा ज़्यादा कुछ खर्च भी ना हो और हमारा रेडी हो जाए हमारा एक प्यारा सा हाउस। मैं ऐसा चीज़ चाहता हूँ। तो मेरे को इसको अंदर की साइड से होके लगाना होगा, तो इसको भी तोड़ते हैं। तो मैं अंदर से भी गए जितना हमने बाहर में लिया है उतना ही हमें अंदर भी जा कर के लेना होगा, तो ही हमारा घर देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरे को टॉर्च की भी ज़रूरत होगी, तो मैं जल्दी से टॉर्च बना लेता हूँ। और गेट को गाइज आपको अंदर की साइड होकर के लगाना है, और वो यहाँ पर भी मैं तोड़ लेता हूँ इन सारी चीज़ों को जो भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक टॉर्च, तो देख सकते हैं गाइज इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर अंदर जाते आना है, तो ये तो मैं ऑफलाइन में आके कर लूँगा गाइज, या तो फिर मैं इसको लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा। तो अब से मैं यहाँ पर गाइज अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग उसे भी देखिएगा गाइज, वो भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आप लोग गाइज कमेंट में ये भी बता दीजिएगा गाइज कि मैं लाइव स्ट्रीम किस टाइमिंग में करूँ, मैं उसी टाइमिंग के हिसाब से करूँगा। और इस ऊपर वाले लेयर को भी तोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तो इस तरीके से हमें करना है गाइज। और मैं थोड़ी डेकोरेशन के लिए आपको फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि आपको थोड़ा और डेकोरेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ओक लॉक लगाना है, ओक लॉक नहीं मतलब कि जिस लॉक का आप बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, और इस वाले को तोड़ देना है, इस वाले को नहीं गाइज आपको इसको तोड़ना है। और यहाँ पर आपको वापस से एक डर्ट का ब्लॉक प्लेस कर देना है। डर्ट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। कॉबल स्टोन यहाँ पर से उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी हमें डर्ट प्लेस करना है। फिर इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो अभी मैं अपने हाउस के अंदर चलता हूँ गाइस, जो कि बिल्कुल ही छोटा सा है, मगर फिर भी घर तो घर होता है। मेरा क्राफ्टिंग टेबल को निकाल करके यहाँ पे रख लेते हैं गाइस। और मैंने थोड़ा हंटिंग भी किया था, तो मेरे पास थोड़ा फूड भी है, अभी देख सकते हैं 5। तो वो सबसे पहले बेड बनाते हैं, और अपना रिस्पॉन पॉइंट मैं सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें गाइस थोड़ा सा ज़रूरत होगा स्टेयर्स का डेकोरेशन गाइस।
और गाइस डे वन के दिन ही हमारा क्रीपर, मतलब क्या ही बोलूं गाइस, क्रीपर ने आके हमारा घर ही उड़ा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, शिट। वैसे ये क्रीपर आया कहाँ से था? कोई ना गाइस, हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम में ही ठीक करने वाले हैं। यहाँ पर क्रीपर आ रहे हैं कहीं पर से, तो मुझे वो प्लेस बंद करना होगा, शायद से वो वहाँ पर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले चल के गाइस हम लोग इसी प्लेस को बंद करने वाले हैं। और यहाँ पर एक स्केलेटन भी है तो जो कि हमें इजीली मार देगा, तो यहाँ पर से निकलो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे पास अभी हेल्थ भी नहीं है और हम तुरंत मर भी जाएंगे। तो अभी के लिए तो गाइस हमें घर के अंदर रहना चाहिए, मगर फिर भी मैं बाहर निकल करके अपना थोड़ा मैं सारी डेकोरेशन फिर से कर दूंगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी नाइट हो रहा है तो हम लोग घर के अंदर जाके वापस से स्लीप कर लेंगे। तो अगर आपको गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तो आज की वीडियो में बहुत बुरा हुआ गाइस हम लोगों के साथ, हमारे एक क्रीपर ने गाइस हमारा घर उड़ा दिया जो हम बना ही रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आज के लिए हम सो जाते हैं और अब मिलेंगे गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।